कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने का विरोध छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। आज कांग्रेस इसे लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। दीपक बैज ने सभी कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि आज सभी जिला मुख्यालयों के आयकर ऑफिस के सामने जमा हो, जहां विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग, स्थानीय वरिष्ठ नेताओं, विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के प्रदर्शन में शामिल होने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इस दौरान अजय माकन ने मीडिया को बताया कि अकाउंट फ्रीज होने के कारण पार्टी के पास न तो सैलरी देने का पैसा है और न ही बिल का भुगतान हो पा रहा है। जानकारी के मुताबिक साल 2018 से 2019 के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने में 45 दिनों की देरी के चलते आयकर विभाग की तरफ से यह कार्यवाही की गई है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।